18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोरो में हुए आतंकवादी हमले में एसआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के संग्रामपुर तालुका के पातोड़ा गांव के रहने वाले चंद्रकांत भाकरे को आज शासकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें गांव वालों के साथ जिले के पालक मंत्री राजेंद्र सिंगड़े, जिलाधिकारी डॉक्टर सुमन चंद्रा, जिले के एसपी दिलीप भुजबल पाटिल और एसआरपीएफ के अधिकारियों ने नम आंखों से विदाई दी। चंद्रकांत भाकरे अमर रहे के नारों के साथ लोगों ने अपने गांव के पुत्र को अंतिम विदाई दी। इस अंतिम संस्कार के समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक आतंकवादी हमले में 3 भारतीय जवान शहीद हुए थे, जिसमें से एक महाराष्ट्र के बुलढाणा के संग्रामपुर तालुका के पातुल्ला निवासी चंद्रकांत भाकरे भी थे जो शहीद हुए थे। आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव पातुल्ला में लाकर उनको शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार के अंदर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने, जिलाधिकारी डॉक्टर सुमन चंद्रा और एसपी दिलीप भुजबल और एसआरपीएफ के कई अधिकारी इसमें मौजूद थे। इसमें एक और ये बात थी कि गमगीन आंखों से सभी ने अपने इस गांव के सपूत को अंतिम विदाई दी और सभी ने चंद्रकांत भाकरे अमर रहे ये नारे लगाए। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी इसमें ख्याल रखा गया। मैं शाहिद इकबाल, INN24 से, मेरे साथ कैमरामैन नंद गोपाल पांडे।